बीटीसी कॉल से शुरुआत करते हैं गाबा सर बताइए क्या ट्रेड कैरी करेंगे गाबा सर गाबा जी आप म्यूट पर हैं आई थिंक पता नहीं कैसे होता मैं तो नहीं करता लेकिन हो जाता है एनीवे <laughs> अंबुजा सीमेंट मुझे पसंद है इस पर दो-तीन दिन से कैपू मिल रहा है ट्रेड कर रहा है 642 मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 630 का बस ऑन द अपसाइड 670 के टारगेट नजर आते हैं से में। में एक ट्रेड। पिक क्या रहेगा? आ जी हर्षा जी यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर्स में स्टॉक ऑलरेडी फोर एंड हाफ परसेंट ऊपर मुझे लगता है कल तक फोर थर्टी फाइव से फोर फोर्टी होना चाहिए और लॉस यहाँ पे यहाँ पे फोर ट्वेंटी थ्री का रखिए चंबल फर्टिलाइजर्स आपका ट्रेड है राजेश सतपुत जी आपका ट्रेड नहीं देखे, मैं लुपिन को लेके ले जाऊंगा थोड़ा सा लो बीटा काउंटर मुझे लगता है कि सो सेफ्टी देगा so, 1637, ले से लेकर में सो लुपिन इज अगे मानस आप क्या कैरी करेंगे uh, अनं जी यूपीएल में खरीदारी करके जाएंगे UPL ने आज अपने 200

Uh, हमने देखा है कि प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकआउट हुए यहाँ पे रैली सस्टेन होना चाहिए और अपसाइड के टारगेट की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते okay, तो चलिए के साथ यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स जो कि हमें कल के लिए कैरी करनी है उसका सिलसिला पूरा हुआ अब आते हैं इंडेक्स आउटपुक पे और पे अनुज तेईस निफ्टी इसने आज निफ्टी आईटी का पूरा प्रेशर झेला और बैंक निफ्टी करीब उनचिस आठ सौ तैंतीस कंपेरिजन में शायद बैंक निफ्टी हमको अच्छा लगे अप्रोच कर रहेगी अनुज एक इवेंट का बाजार अभी भी इंतज़ार कर रहा है अब बाजार शट होने के बाद मेरे ख्याल से जो नाम है पोर्टफोलियो जो है वो अब आए तो ऐसे में इंडस्ट्रीज पर अप्रोच कर रहेगी वे मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है आज की आज की अप्रोच देखिए आज मार्केट जो लो पे बंद हो रहा है इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि वो अनसर्टेनिटी रह गई थोड़ी सी वरना कोई रीज़न नहीं था मार्केट इस तरीके से बंद होता आज आप क्या करें आज, आज आप लॉन्ग hmm. पोजीशन hmm. तो भले ही कैरी करें लेकिन उसको हेज कर लें थोड़े से हेजेस लगा दें लॉन्ग पोजीशंस में या तो कॉल ऊपर की बेचकर या पुट लेकर थोड़े से हेजेस करके लॉन्ग लेकर जाए वो किस लिए आज शाम को आप पोर्टफोलियो आएंगे अगर तो मार्केट को पसंद नहीं आए तो एक बार के लिए कल मार्केट में डाउन हो सकता है इन दैट केस वो आपके लॉन्ग पोजिशन को प्रोटेक्ट करेंगे ठीक है अगर तो गैप डाउन नहीं होता है और अगर मार्केट को जो चाहिए वही मिल गया तो आप सिंपल कल आप अपना पोर्टफोलियो से उसमें आपको फिर भी ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा लेकिन अगर कल गैप डाउन हो जाता है कुछ भी हो जाता है कल एक सुबह एक टाइम रहेगा अपने उस हेजेस को निकाल देने का कि आप उस हेजेस को निकाल दीजिए और फिर अपनी नॉर्मल पोजिशन को ही कैरी करिए मेरा ये मानना है कि रिगार्डलेस ऑफ पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन पीरियडिक वो टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट हुई अलग बात है अब ये मार्केट इसी सीरीज़ में तेईस पाँच सौ तेईस छः सौ तो एक बार के लिए टेस्ट करने जा रहा है ठीक है निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर शायद पचास पाँच सौ से लेकर इक्यावन हज़ार तक के लेवल्स तो अगर आप वो एक इवेंट रिस्क नहीं लेना चाहते आज शाम को तो चाहे तो थोड़े हैजिस के साथ चले जाएँ ये पॉसिबिलिटी वो आप कल सुबह निकाल सकते हैं जो भी है लेकिन मार्केट में इवेंचुअली मेरा मानना ये है कि हायर साइड पर ही ब्रेकआउट आएगा कि हाई साइड सैल ब्रेकआउट आएगा उस बात की पॉसिबिलिटी बहुत है थोड़े मोड़े डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं बट लॉन्ग सो कैरी करना है और उसके अगेंस्ट एक पुट जोड़ना या फिर आउट ऑफ मनी कॉल अगर आप देखें सेल करना एक विकल्प हो सकता है ये है इंडस्ट्रीज पे अप्रोच तो मोर और लेस अप्रोच लॉन्ग की है और इस सीरीज़ में तेईस पाँच सौ की और उसके ऊपर की रिलेक्ट्री की एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है ये इंडस्ट्री से बात हो गई अब आपके स्क्रीन पे मैं रखता हूँ जरा माँ market... अच्छा, अच्छा मार्केट ब्रेथ लेके आइए एक बार क्योंकि आप मैं सोच रहा था निफ्टी आईटी टी भी डिस्कशन करूं लेकिन निफ्टी आईटी टी डिस्कशन काफ़ी हो चुका है तो उसको रिपीट नहीं करूंगा मार्केट ब्रेथ लेके आइए आपकी स्क्रीन पे और जरा इसकी रिजिक्ट्री को देखते हैं और uh, क्या ब्रेथ है इस वक्त इन डेरेवेटि सौ लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली और तेरह में अगर आप देखें तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है तो शॉर्ट कवरिंग का दायरा आखिरी में आखिर थोड़ा सा अगर आप देखें कम हो गया क्योंकि वो थ्रा जनरेट दोबारा नहीं हुआ आज इन में तेईस चार सौ पे कॉलरस है तो दोबारा हमने स्ट्राइक किया ही नहीं ड्यूरिंग द डे और तेरह में शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद जरा लॉन्ग की, की सबसे स्ट्रॉन्ग थीम थी और एग्री ये दो स्पेस काफी स्ट्रॉन्ग थे इनफैक्ट आज फर्टिलाइजर्स केमिकल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था शॉर्ट कवरिंग जी में आरईसीडमार्क एम एन एम फाइनेंशियल में आज फार्मा इंडेक्स ऑलमोस्ट दिहाई की डिट्री बंद हो रहा है तो कल सुबह जब बात करेंगे तो फार्मा में भी कुछ स्टॉक्स को पिक करने की कोशिश करेंगे हम बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजर हैं निफ्टी फार्मा पे फिर उसके बाद जो स्लाइड आएगी उसमें है आपके लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग के स्टेट्स आइए शॉर्टिंग किन किन में थी उसको देखते हैं कोफोज फोज कैप आई टी में दर वेदांत मेटल्स में एम्फोसिसक महिंद्रा पर्सिस पूरा का पूरा आई टी आज थोड़ा कोलेप्स हुआ पर अपने जो शुक्रवार के यानी फ्राइडे के जो लॉन्ग मतलब जो डे गेंद्स थे अप्रॉक्सीमेटली ग्यारह सौ पॉइंट के उसमें से ऑलमोस्ट फिफ्टी सिक्सटी परसेंट रिट्रेस कर दिया और ग्यारह में लॉन्ग रन रनिंग हुई चलते हैं अभी यितिन के पास